मासिक दुर्गाष्टमी 2019 जानिए देवी दुर्गा को प्रसन्न करने की पूजन विधि। हिंदू धर्म देवी दुर्गा की पूजा को बहुत ही खास माना जाता है। वही दुर्गाष्टमी हर महीने आती है, इसलिए इसे मासिक दुर्गाष्टमी कहा जाता है। इस दिन उपवास और पूजन का खास महत्व होता है। हर महीने आने वाली दुर्गाष्टमी का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन पूरे विधि विधान से आराधना और व्रत रखने से देवी माँ प्रसन्न हो जाती है। वही आज दुर्गाष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी बातें हैं। तो आइए जानते हैं इन बातों का रखें विशेष ध्यान। कन्याओं को देवी का अवतार माना जाता है, इसलिए कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध कभी भी बुरा आचरण नहीं करना चाहिए। किसी विशेष माह या त्योहार पर ही नहीं, बल्कि हमेशा ही लड़कियों का सम्मान करना चाहिए और उन पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। जो मनुष्य इन बातों को अपनी आदतों में शामिल कर लेता है, देवी माँ उनसे हमेशा ही प्रसन्न रहती हैं। जानिए दुर्गाष्टमी की पूजन विधि। पूरे विधि विधान से दुर्गाष्टमी पर उपवास और पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वही दुर्गाष्टमी के दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्ध कर लें। लकड़ी के पाट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर देवी दुर्गा की प्रतिमा रखें। वहीं माता को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना करें, दुर्गा माँ आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगी।